चैत्र तीज पर सोमवार को गणगौर माता की बाड़िया खुलते ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शहर में करीब 30 से अधिक स्थान पर माता की बाड़ी बोई गई है। हालांकि शहर में कुछ स्थानों पर मंगलवार को भी बाड़िया खुलेगी। श्री राम मंदिर परिसर में सुबह 6 बजे से श्रद्धालु पूजन के लिए पहुंचने लगे। कतारबद्ध होकर श्रद्धालुओं ने पूजन किया। दोपहर में ज्वार श्रृंगारित रथों में अपने घर सजा कर ले गए। रात में भजन और नृत्य कर जागरण किया। कई परिवार मन्नत के चलते रथों को बुलाएंगे। एक दिन रोकने के बाद इन्हें विदा किया जाएगा। गुरुवार को गणगौर पर्व का समापन होगा। इस दिन भंडारे का आयोजन भी होगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज निमाड़ ऐतिहासिक पर्व गणगौर की शुरुआत। यह पर्व 8 दिन तक रहता है। इसमें ज्वारे बोए जाते हैं। 8वें दिन माता को भक्तों में लेने आते हैं और भक्तों की भीड़ लगी रहती है। 10वें दिन माता का विसर्जन होता है। उसी के साथ धूमधाम से माता का विसर्जन होता है। इसमें चैत्र महीने में एकादशी के रोज गणगौर माता बोई जाती है और अमावस्या के रोज उसको घुंघराई जाती है। घुंघरी बनाते हैं, उसको बांटते हैं प्रसाद के रूप में, और 30 के रोज उसको पाट पर बिठाते हैं, सिर करते हैं। और उसके बाद में जो श्रद्धालु हैं वो रथ सिंगारते हैं, वो लेने आते हैं और लेके अपने घर ले जाते हैं। फिर गाते बजाते हैं गणगौर गीत और नृत्य भी करते हैं महिलाएं। और 2 रोज मतलब इसका रहता है, जो एक रोज जाने का, एक रोज अपने घर रहती है, फिर दूसरा रोज जब हमने जाती है तो कोई किसी को एक रोज ला भी सकते हैं। उसके बाद में 3रे रोज विसर्जन कर देते हैं। और यह पर्व हर चैत्र महीने में मनाया जाता है। जय माता दी। यह गणगौर माँ का पर्व है। यह निमाड़ का सबसे ऐतिहासिक पर्व है। यहाँ पर माता के मंदिर के 8 रोज तक पूजा की जाती है। 8 रोज माता की बाड़ी खुलती है। बाड़ी वो खुलने के बाद लोग रथ लेके आते हैं, माता को ले आते हैं। सभी श्रद्धालु की भीड़ लगी रहती है। ये कितने दिन तक उत्सव चलता है? ये 10 रोज तक चलता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।